But it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me. हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो चिकनकारी कुर्ती हॉल। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मीशो ऐप क्या है, मीशो एक रीसेलिंग ऐप भी है। वहाँ पे आप चीज़ें बाय भी कर सकते हो एंड रीसेल भी कर सकते हो अपना खुद का मार्जिन ऐड करके। अगर आप मेरे दिए गए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको अप टू 30% तक का ऑफ मिलेगा एंड आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीज़ का भी ऑफ मिलेगा। मीशो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस ऐप को डाउनलोड ज़रूर करना। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैंने कल ही अपना चैनल चेक किया है, वहाँ पे 95% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे ये सारी कुर्ती आप देख सकते हो, इसको मैं 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी कुर्ती मैंने कितने में बाय की, वो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ऐड करती जाऊँगी तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और प्राइस वगैरह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये ग्रे कलर में कुर्ती है और इसके ऊपर काफ़ी हैवी मिरर वर्क दिया हुआ है, तो इसका प्राइस आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, आप देख सकते हो। और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर भी चूज़ कर सकते हैं। एंड कोई भी कलर आप चूज़ करेंगे उसका प्राइस सेम ही रहेगा, 489 रुपीज़ आई थिंक इसका प्राइस है। और इसमें जो मिरर वर्क की जो किया हुआ है, जो मिरर की क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। शाइन आप देख सकते हो वीडियो में किस कदर का शाइन, मतलब अच्छा लग रहा है। और काफ़ी हैवी वर्क किया हुआ है, बिल्कुल भी मतलब कम काम नहीं किया है। और इस तरह से आपको आस्तीन के ऊपर एक बूटा मिल जाएगा एंड यहाँ नीचे बॉर्डर मिल जाएगा। और पीछे की तरफ एकदम प्लेन है, सिर्फ एक बूटा ही दिया हुआ है। और इसकी जो स्टिचिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट पे है, बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू नहीं है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। मतलब इसके साथ इनर भी अवेलेबल होता है बट मुझे इनर रिसीव नहीं हुए हैं किसी भी कुर्ती में, तो आपको इसे खुद से ही मनवाना पड़ेगा या फिर आप इसको अलग से भी ले सकते हो बगैर इनर के। ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये लुक दे रहा है। और इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए मैंने इसको सबको बाय किया है ताकि अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रह सके। तो यहाँ पे ट्राई ऑन हॉल भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि वेयर करने पर इसका लुक किस तरह से आ रहा है। नीचे एक शरारा मिल जाएगा, इसको मैंने पूरा सूट बाय किया था, एक ये सूट मैंने पूरा एक बाय किया है। एंड अब जो मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी की सारी कुर्तियां मैं दिखाऊंगी। और ये पूरा सूट मैंने बाय किया था 1500 में एंड इसके साथ प्लाजो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है। और ये है मेरे पास दुपट्टा शिफॉन में, और दुपट्टा मुझे इसके साथ नहीं मिला है, ये मैंने 189 रुपीज़ में बाय किया था मीशो से ही, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी, इस पर जो चिकनकारी वर्क किया हुआ है ना वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। नीचे इसमें थ्रेड्स लटक रहे हैं, उसे मैंने अभी कट नहीं किया है, जस्ट मैंने इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाया है। और इसका जो मटेरियल है अंदर का, जो इसमें लाइनिंग दी हुई है ना, वो कॉटन की है, तो बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करेगी एंड समर्स के लिए काफ़ी मस्ट है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है। एंड इस तरह से आपको इसमें इलास्टिक मिल जाएगी, इलास्टिक की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल ये वाला प्लाजो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपकी जो चिकनकारी कुर्ती हैं उनके साथ। नेक्स्ट कुर्ती है यहाँ पे मेरे पास, ये लेवेंडर कलर में, और इसके ऊपर भी अगेन मिरर वर्क है, इसमें जो है ना गोल्ड मिरर लगाया हुआ है। और इस कुर्ती का प्राइस है 500 रुपीज़ आई थिंक, तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड करती जाऊँ वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस दिख जाएगा। इसमें भी आपको कलर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे और इसमें इस तरह से छोटे छोटे से बूटे दिए गए हैं पूरी कुर्ती के ऊपर। और इसमें स्लीव जो है ना वो प्लेन है, यहाँ पे कोई बूटा नहीं है एंड नीचे की तरफ आपको हल्का सा बॉर्डर मिल जाएगा और बॉर्डर के ऊपर भी वर्क किया हुआ है, पीछे आपको एक बूटा मिल जाएगा। कुर्ती का कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है एंड मैं यहाँ पे ट्राई ऑन हॉल जो है ना वो लगाती जाऊँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वेयर करने पर कैसा आ रहा है। तो इसमें जो मेरा साइज़ है वो एम है, मीडियम साइज़ इसमें मैंने लिया था, आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें भी जो है ना इसमें आपको इनर नहीं दिया हुआ है, किसी भी कुर्ती के साथ मुझे इनर नहीं मिला है, तो उसको आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा या स्टिच करवाना पड़ेगा। तो इसका भी मटेरियल है जॉर्जेट का। ओवरऑल इस कुर्ती के प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। नेक्स्ट मेरे पास है ये बेबी पिंक कलर में कुर्ती, और इस पर कोई मिरर वर्क नहीं किया हुआ है। मैंने इसको इसलिए मंगवाया था क्योंकि मुझे सब कैटेगरी की ट्राई करना थी और मुझे चाहिए भी थी, तो इस पर आपको उसी सेम काम वही मिलेगा बट इस पर मिरर वर्क नहीं किया है। बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू हो रहा है। इसको मैंने ट्राई
टाउन हॉल में आपको फिल नहीं दिखाया है, बस हाफ दिखाया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मे बी मैं इसको रिटर्न कर दूँ या रिप्लेस करूँ या कुछ भी करूँ, बट मैं इसको रखने वाली नहीं हूँ। उसके बाद मैंने ऑर्डर करी थी स्काई ब्लू कलर में कुर्ती। ये स्काई ब्लू कलर है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसका जो प्राइस है, मैंने जब बाय कर लिया उसके बाद इसका प्राइस जो है ना 400 हो गया था, मतलब 180 रुपीज़ और लेस हो गए थे। बट कोई बात नहीं, मैंने इसको फिर भी बाय किया। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिसीव हुई है एंड ये बिल्कुल डिसेंट सा लुक दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी वेयर करने पे। और उसी प्लाजो के साथ एंड दुपट्टा के साथ मैंने इसको वेयर किया है। आप अपना किसी भी जीन्स के साथ या ट्राउज़र के साथ भी इसको वेयर कर सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। एंड इसका भी मटेरियल है जो वो जॉर्जेट है, एंड पीछे की तरफ आपको एक छोटा सा बूटा मिल जाएगा और इसमें साइडों की तरफ भी इस तरह से बॉर्डर दिए हुए हैं, बीच में छोटे छोटे से इस तरह से आपको फ्लावर्स का अटैचमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है ये अनारकली, और ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो घेरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें आपको यहाँ पे साइड में जो है ना वो दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, वहाँ पे यहाँ पे आपको इनर भी दिख रहा होगा, बट मुझे इनर रिसीव नहीं हुआ है। एंड इसके जो मिरर लगे हुए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगे हुए हैं, आगे भी आपको चोली पे जो है ना इतने ही क्वांटिटी में लगे हुए मिलेंगे एंड पीछे की तरफ भी इसके ऊपर इतने ही मिरर लगे हुए हैं। और इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लग रहा था, और इसमें भी कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको मैंने वेयर किया अपने प्लाजो के साथ, आप इसको लेगिंग्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं। एंड इसका भी जो मटेरियल है ना वो जॉर्जेट है, एंड इसमें जो मिरर यूज़ करें हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड जिसमें स्टिक करने के लिए ग्लू यूज़ करा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब इसको बार बार मैंने ट्राई ऑन हॉल में। ओवरऑल ये अनारकली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके बाद जो लास्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये फ्रॉक है, ये शॉर्ट फ्रॉक है एक्चुअली, और स्क्रीन शॉट मैं यहाँ पर ऐड कर जाऊँगी। इसका प्राइस आपको दिख जाएगा 493 रुपीज़ इसका प्राइस है, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड स्पेशली इसकी स्लीव मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं, और ट्राई ऑन हॉल में भी आप देख सकते हो। इसका भी मटेरियल जो है वो है अगेन जॉर्जेट, और इस पर जो वर्क किया हुआ है ना काफ़ी फिनिशिंग के साथ किया हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल मुझे ये रिसीव हुई है और मुझे बहुत पसंद आई है। और इसका जो प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है, एंड वाइट कलर में भी अवेलेबल है और सारे कलर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, हर कलर में ये अवेलेबल है। सारे ड्रेसेस के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।